हेलो फ्रेंड्स, तो ये हैं आलू। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पापड़। तो आलू के पापड़ बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आलूओं को उबाल लिया है, फिर इनको छील लिया है। तो इस तरह से मैंने सारे आलू छील लिए हैं। अब इनको छीलने के बाद इसमें मिलाऊंगी लाल मिर्ची पाउडर, जीरा, नमक। इन सबको डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। इसका आटे की तरह एक डो बना लेना है। तो इस तरह से इन सबको मिलाने के बाद इसका एक आटा सा बन गया है। तो इनको फैलाने के लिए हमने एक बिछाई है यहाँ पर एक पॉलीथिन, और पापड़ बनाने के लिए हमने लिए है एक पॉलीथिन। इसके ऊपर ऑयल लगा लिया है। अब हम इस डो से छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। अब इस पॉलीथिन पर हमें पापड़ फैलाने हैं, तो हम इस पर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। पॉलीथिन पर ऑयल लगाने के बाद इस पर हम एक लोई रखेंगे, उसके ऊपर एक और पॉलीथिन रखेंगे और कुछ वजनदार चीज़ या चकली से हम इसको दबा देंगे। तो इस तरह से देखिए गोल पापड़ बन जाएगा। इसी तरह से हम सारे पापड़ बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे सारे पापड़ बनकर तैयार हैं। तो इस तरह से हमारे पापड़ सूख कर तैयार हैं। तो अब हम इन्हें तल कर देखते हैं। तो ये देखिए, ये देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत चटपटे और टेस्टी हैं। तो इस तरह आसान विधि से आप भी आलू के पापड़ बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल रानीज क्रिएटिव होम को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।